इंस्टेंटली लोन लेना है बिना बैंक का चक्कर लगाए, बिना फिजिकल डॉक्यूमेंट्स दिए, घर बैठे बैठे ऑनलाइन, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको पेटीएम से पर्सनल लोन मिल सकता है, वो भी 3 लाख रुपए तक का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमने पेटीएम से लोन लेने की कोशिश की लेकिन हमारा लोन रिजेक्ट कर दिया गया। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पेटीएम ने मेरा लोन क्यों रिजेक्ट किया, और आप भी अगर पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किस कंडीशन में पेटीएम आपका लोन रिजेक्ट कर सकता है, वो सिचुएशंस, वो कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर वो कौन से तरीके हैं, कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो पेटीएम आपका लोन कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा और आपको आपकी इमरजेंसी में इंस्टेंटली आपके अकाउंट में फंड आ सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए किस तरीके से मैंने पेटीएम को पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया और किस स्टेप पे जाने के बाद से मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ वीडियो का हर एक स्टेप आप बहुत ही ध्यान से देखें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, ये 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि वीडियो एंड होते होते तक आपका कॉन्सेप्ट, ये 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि वीडियो जैसे ही एंड होगी आपको पेटीएम से लोन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपके पास होगी और आसानी से आप लोन ले पाएंगे, आपका लोन उस कंडीशन में रिजेक्ट नहीं होगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो आप पूरा देखें। चलिए सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आखिर किस तरीके से मैंने इस वीडियो में लोन के लिए अप्लाई किया और किस स्टेप पे जाने के बाद से पेटीएम ने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने अप्लाई किया कि मुझे पेटीएम ने लोन दे दिया, तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी की सारी प्रोसेस मैं आपको आज यहां पे बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहां से लोन लेने के लिए, अगर आप पेटीएम से लोन लेना चाहते हैं तो आपको पेटीएम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद से आपको एप्लीकेशन ओपन करना होगा, वहां आपको आपका बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, वहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, डेफिनेटली आपको पता होगा अगर आप पहले से पेटीएम यूज कर रहे हैं तो। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपने अगर पहले से केवाईसी करा रखी है पेटीएम की तो यहां से लोन लेना आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी करा रखी है तो वो स्टेप्स भी आपको मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले जैसे आप पेटीएम अपना ओपन करते हैं और सारे के सारे जितने भी अपने डिटेल्स हैं डालने के बाद से आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, क्या आपको होम स्क्रीन पे सबसे पहले हो सकता है ऊपर 3 लाख के पर्सनल लोन का मैसेज फ्लैश हो रहा हो कि गेट दिस लोन, और अगर नहीं हो रहा है तो भी आप यहां पे नीचे माई पेटीएम में आप देख सकते हैं, माई पेटीएम में जब आएंगे तो यहां नीचे पर्सनल लोन का ऑप्शन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, और उसके बाद से अगर थोड़ा सा और आप नीचे आते हैं तो यहां लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स में आप देख सकते हैं यहां पे पर्सनल लोन का ऑप्शन फ्लैश हो रहा है। हम यहां पे पर्सनल लोन जो लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स में है यहां पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करके आगे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इस लोन के लिए। तो फ्रेंड्स यहां पे जैसे ही आप पर्सनल लोन वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आता है जैसा कि सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें कि यहां पे हे उसके बाद से मेरा नेम आ रहा है और आगे बोला जा रहा है कि प्लीज कंफर्म योर बेसिक डिटेल्स। तो यहां पे देखिए अगर आपका पहले से केवाईसी यहां पे कंप्लीट है तो यहां आपका पैन कार्ड दिखाई देगा, नीचे डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा और ईमेल एड्रेस भी साथ साथ आपका दिखाई देगा, लेकिन अगर आपने अपना केवाईसी नहीं कंप्लीट किया है तो ये डिटेल्स आपको यहां पे डालनी होगी। तो ये देखिए सबसे पहले आपको यहां पे अपना पैन कार्ड डालना है, देन अपना डेट ऑफ बर्थ एंड देन अपना ईमेल एड्रेस आपको यहां पे डालना होगा। फ्रेंड्स आप स्टेप्स यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स अपनी डालनी होगी, आफ्टर दैट आपका ऑक्यूपेशन जो डिटेल्स है मींस आपके कंपनी का नाम, आपकी सैलरी कितनी है, ये सारी चीजें डालनी होती है, एंड देन आपको फाइनली आपका कितना तक का लोन पेटीएम के द्वारा ऑफर हो रहा है वो आपको थर्ड स्टेप में यहाँ पे दिखाई दे देता है, जिसके बाद से आगे आप लोन के लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो चलिए ये चीजें यहाँ पे डालने के बाद से आप आगे आते हैं
और यहाँ पे प्रोसीड का बटन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, प्रोसीड के बटन पे आप क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स आगे के स्टेप में आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना ऑक्यूपेशन जो डिटेल्स है वो सारे डिटेल्स आपको डालना होता है। इसमें देखिए सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको सैलरीड है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप क्या है उसको आपको चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ नीचे आपको सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है और थर्ड है नॉट एम्प्लॉयड। तो मैं आपको बता दूं जैसे ही आप वहां पे क्लिक करते हैं आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं, पहला सैलरीड आप देख सकते हैं, दूसरा आपका सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस और तीसरा नॉट एम्प्लॉयड। तो मैं आपको बता दूं आपको यहाँ पे सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन ही चूज करना है, आप कभी भी नॉट एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन ना चूज करें, नहीं तो आपका लोन अगले स्टेप में ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए हमने यहाँ पे सैलरी को चूज कर लिया और हमने यहाँ पे डन पे, ये डन का जो बटन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हमने आपका क्लिक कर दिया डन के बटन पे। नेक्स्ट स्टेप में आपका आपके कंपनी का नेम यहाँ पे पूछा जाएगा, नीचे आप देख सकते हैं कंपनी नेम। तो मैं आपको बता दूं अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी फेमस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो जैसे ही आप उसका एक दो लेटर स्टार्टिंग के टाइप करेंगे उसका नेम यहाँ पे सामने दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो देखिए यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम नहीं दिखाई दे रहा था तो मैंने अदर यहाँ पे ऑप्शन चूज किया और अदर चूज करने के बाद से अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे अपने कंपनी का या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे भी हम जॉब कर रहे हैं उसका नेम यहाँ पे अलग से डालना होगा। एंड आफ्टर दैट हमारा जो ईयरली एनुअल इनकम है यहाँ पे वो यहाँ पे डाल देना है। एंड देन हमारा जो पिन कोड है हमारे एड्रेस का, करेंट में हम जहाँ पे अभी रह रहे हैं वो पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। एंड देन हमें हमारे लोन का जो है कि यूज का पर्पज चूज करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेडिंग है आपका, होम रिनोवेशन, बिजनेस रिक्वायरमेंट या आपका एजुकेशन, मेडिकल इमरजेंसी, ट्रेवल, रिपेमेंट ऑफ एनदर लोन या पर्सनल यूज। तो हम आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे यूज कर लिया आपका पर्सनल यूज और यहाँ हमने डन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद से आप नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कह रहा है कि जस्ट वन मोर डिटेल टू गेट बेस्ट ऑफर फॉर यू, हमें हमारा जेंडर यहाँ पे चूज करना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपका केवाईसी पहले से कंप्लीट है तो कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट नहीं है इसलिए कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हमसे यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। तो देखिए जो भी हमारा यहाँ पे जेंडर है मेल या फीमेल उसको हम चूज करते हैं, चूज करने के बाद से यहाँ सबमिट बटन पे हम क्लिक करते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब ये क्रिएटिंग द बेस्ट ऑफर फॉर यू मीन्स हमारे लिए जो भी पेटीएम के द्वारा लोन ऑफर होगा नेक्स्ट स्टेप में हमको दिखाई देगा सामने और वहां से हम लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी अब तक आपने फिल की है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक जो पेटीएम का सिस्टम है वो एनालाइज करता है, एनालाइज करके कितना तक का लोन आपको ऑफर हो रहा है वो ऑफर आपको सामने दिखाई देता है। अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ऑफर मेरे लिए क्रिएट हुआ है वो बिल्कुल जीरो है। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम का लोन मुझे नहीं मिल रहा है और यहाँ पे मेरा लोन रिजेक्ट हो गया। सामने आप देख सकते हैं यहाँ दे रहा है कि सॉरी वी कैनॉट प्रोसीड विद योर एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोसीड साथ में नहीं किया जा सकता है। तो इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ मैंने जो लोन के लिए अप्लाई किया है उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ, कितना तक का लोन मिला। फ्रेंड अब हम बताते हैं कि स्पेशली रीजन क्या है हमारा लोन क्यों पेटीएम ने रिजेक्ट किया। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक मेरा सिविल स्कोर जेनरेट नहीं हुआ है और किसी भी तरह का कहीं से भी मैंने छोटा सा भी लोन यहां पे नहीं लिया हुआ है, इसलिए पेटीएम ने मेरा एप्लीकेशन यहां पे रिजेक्ट कर दिया। कुछ अदर्स भी रीजन हो सकते हैं जिसके चलते पेटीएम आपका लोन रिजेक्ट कर दे। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका सिविल स्कोर सबसे कम हो यहां पे या बिल्कुल ही आपका सिविल स्कोर अगर जेनरेट ना हुआ हो तो आपके इस कंडीशन में जो आपका लोन है वो रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा आप देख सकते हैं लैक ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, आपकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री ना हो, आपने कहीं से भी लोन ना लिया हो तो उस कंडीशन में भी आपको यहां से लोन नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पुअर रीपेमेंट हिस्ट्री, अगर आपका जो रीपेमेंट हिस्ट्री है वो बहुत ही खराब है, आपने पहले लोन तो लिया हुआ है लेकिन टाइम पे उसका पेमेंट नहीं किया है तो यहां इस कंडीशन में भी आपका लोन यहां पे रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से आप देख सकते हैं हाई एक्जिस्टिंग डेब्ट्स, आपके बहुत सारे ऑलरेडी लोन्स यहां पे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा चल रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको ये लोन नहीं मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे हाई नंबर ऑफ लोन इंक्वायरीज, अगर आपके सिविल पे बहुत ज्यादा इंक्वायरी जा रही हैं, आप जगह जगह बहुत सारे लोन्स के लिए एक साथ आपने अप्लाई कर दिया तो उस कंडीशन में भी आपको पेटीएम के द्वारा लोन नहीं मिलेगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा पेटीएम ने किस तरीके से 50,000 का लोन अप्रूव किया और हमें वो लोन मिला। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसी वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई देगी जहां पे क्लिक करके आप उस वीडियो को
पूरा का पूरा देख सकते हैं, या ऊपर आपको आई बटन में भी वो वीडियो अभी आपको दिखाई दे रही होगी, वहां पे आप क्लिक करके पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, कितना मुझे इंटरेस्ट रेट वहां पे देना पड़ा और कितना तक का लोन मुझे वहां पे मिला हुआ है। कंटिन्यू 3 मंथ तक पेटीएम पे लेटर को मैंने यूज किया और फाइनली जो मेरा क्रेडिट स्कोर है वो जनरेट हो गया और मैंने उस लोन के लिए अप्लाई किया और मुझे आसानी से पेटीएम पर्सनल लोन मिल गया था। तो अगर आपका भी लोन पेटीएम रिजेक्ट कर रहा है या आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है तो अभी मैंने जितने तरीके आपको बताए उन तरीकों को फॉलो करते हुए आप भी लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है पेटीएम लोन से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड